बड़ी अपडेट जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई। कुछ जगहों पर बड़ी घटनाएं होने की आशंका है। बड़े बड़े पत्थरों के धंसने से लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ गई है। पत्थरों के खिसकने से बड़ी घटनाएं वहां पर हो सकती हैं। ये बड़ी आशंका और ये बड़ी खबर जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई, सीधा जोशीमठ से। कुछ जगहों पर बड़ी घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बड़े बड़े पत्थरों के धंसने से लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ गई है। शहर में जिस तरीके का भूधसाव हो रहा है उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत चौड़ी जो दरार है वो यहाँ पर है और ये दरार यहाँ से लेके बहुत नीचे तक पूरी पड़ी हुई है और इतनी चौड़ी दरार है कि लोग जो ऊपर के घर हैं वहाँ पे काफ़ी घर जो है वहाँ पे कई बुरी तरीके से टूटे हुए भी हैं। वहाँ पर उनकी दीवारें भी टूटी हुई हैं और इधर आप देखेंगे तो इधर एक पूरी दरार है और ये दरार यहाँ से शुरू होके तकरीबन कई सौ मीटर नीचे तक जो है एक हिस्से में ये पूरी दरार यहाँ पर पड़ी हुई है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर भी बड़े चिंतित हैं क्योंकि इस दरार के बाद अगर इस तरीके का हिस्सा, क्योंकि हमने कई घर देखे हैं वहाँ पर वो उनके हिस्से जो है नीचे ढह गए हैं, भूधसाव वहाँ पर पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इस सिचुएशन की बात करें तो ये सिचुएशन भी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा ये पत्थर है और लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर ये बड़ा पत्थर, क्योंकि इसके ठीक नीचे बहुत चौड़ी दरार है, अगर ये बड़ा पत्थर यहाँ से खिसकता है, क्योंकि जिस तरीके से घरों की दीवारें खिसक रही हैं तो इसके खिसकने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये बड़ा पत्थर यहाँ से खिसकता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि नीचे कई परिवार हैं, 8 से 10 परिवार नीचे हैं जो ठीक इस पत्थर के नीचे हैं अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि किस तरीके से रास्ते निकाले जाएं, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त बहुत भयावह हैं, जो डराती हैं और यहाँ पर तुरंत इन सब चीज़ों को सही करने की ओर जो है ये आगाह भी कर रही हैं क्योंकि लगातार हम मकानों को देख रहे हैं कैसे धस रहे हैं। जिस पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ, इस पत्थर की इधर देखिए आप दरार, कितनी चौड़ी दरार है जो डराती है कि अगर यहाँ से ये दरार की वजह से अगर पत्थर खिसक जाता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है जो नीचे यहाँ पर जो परिवार रहते हैं। यही चिंता है जो गांव वालों को यहाँ पर सता रही है। हर जगह जो लोग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, किसी को अपने घर की चिंता है, कहीं पर पत्थर के धंसने की चिंता है, कई लोगों के जो खेत हैं उन पर बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, वहाँ पर भूधसाव हो रहा है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे शहर में इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक वो घर दिखा रहे हैं जहाँ पर इस तरीके से लोग डर के साए में हैं, अपने घरों को छोड़कर सरकारी स्कूल में से वो रुक रहे हैं, वहाँ पर खुद खाना बना रहे हैं, कुछ उनको मिल पा रहा होगा जो लोग प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर ले जा रहे होंगे। तो मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। और जोशीमठ मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि धंसने की वजह का पता लगाए। अखिलेश यादव जोशीमठ संकट पर बोले हैं कि भू धसाव की वजह का पता लगाए सरकार। यह बयान अखिलेश यादव का जोशीमठ संकट पर। और यह भी कहा उन्होंने कि सरकार साइंटिफिक अप्रोच अपनाए। इन्वायरमेंटल जो समस्या है ये बड़ी समस्या है, ये इन्वायरमेंटल बड़ा इश्यू है, इसमें साइंटिफिक जो अप्रोच है वो अपनानी चाहिए, जो इन्वायरमेंटलिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो सरकार को मान करके उस पर काम करना चाहिए क्योंकि आज घर मकान जमीन पड़ रही है, घर मकान गिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, पहाड़ गिरे जा रहे हैं, तो इसका कारण कोई बड़ा है जो सरकार को ढूंढना चाहिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।